प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट फर्स्ट एवं सेकंड दोनों में ही चलने वाले जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो है आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता, जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हमारी प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सबसे पहले हम ये जान लें कि आर्य सभ्यता के जो जन्मदाता थे वो थे आर्य, और इनका आर्य शब्द का क्या अर्थ है, और आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। आर्य शब्द जातिबोचक है, जातिबोधक है, ये गुणवाचक है, यह किसी भाषाई वर्ग का द्योतक है, तथा आर्य शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में श्रेष्ठ अथवा उत्तम से लिया जाता है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार किया गया है, तथा प्रत्येक संदर्भ में ये गुणवाचक है, और इसका विशुद्ध शब्दार्थ श्रेष्ठ अथवा उत्तम के संदर्भ में लिया गया है। आर्य शब्द के लिए आर्यों ने जड़ वस्तुओं के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया है, जैसे पर्जन्य अर्थात बादल, वर्षा, प्रकाश, सोमरस आदि के लिए भी आर्यों ने आर्य शब्द का प्रयोग किया है। तमिल साहित्य में अरियर शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया गया है जो तमिलगम यानी तमिल क्षेत्र के उत्तर क्षेत्र के निवासी हैं, और अरियर शब्द आर्य का ही अपभ्रंश रूप है। सर्वप्रथम 1847 में लेसेन नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एनिशियंट इंडिया में आर्य को एक जाति के रूप में संबोधित किया। बाद में आर्यों का वर्णन एक जाति के रूप में किया जाने लगा। आज अधिकांशतः आर्यों की कल्पना एक जाति के रूप में की जाती है। अगर हम देखें तो आर्यों की जो प्राचीनतम भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। संस्कृत में ही आर्य शब्द का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। संस्कृत में लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसकी रचना वैदिक आर्यों ने सप्त सैंधव प्रदेश में की थी। आर्य भाषा परिवार में संस्कृत न केवल प्राचीनतम भाषा है बल्कि सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा भी है, जिससे अन्य भाषाओं की व्युत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया को जानने में सहायता मिलती है। यह आर्यों ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो आर्यों के बारे में ये कहा जाता है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मतभेद प्रस्तुत किए हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदास में आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी माना है, क्योंकि ऋग्वेद की कुछ सूक्तियों में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का वर्णन है, जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में ही संभव है। तो कुछ विद्वानों ने आर्यों को यूरोप भाषा के आधार पर, वर्ण के आधार पर, शारीरिक सौष्ठव के आधार पर, ऋग्वेद में वर्णित वनस्पतियों के आधार पर उन्हें यूरोप का निवासी माना है। यूरोप में भी जो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो उन्हें जर्मनी का निवासी मानते हैं, जिनमें नाम है पेनका, हार्ट, मच आदि विद्वानों का। डॉक्टर पी गाइल्स ने उन्हें हंगरी स्थित डैन्यूब नदी घाटी का, तो प्रोफेसर मायर्स ने उन्हें दक्षिणी रूस का निवासी माना है, जबकि जे जी रोहण, पॉट, मैक्स मूलर आदि विद्वान आर्यों को मध्य एशिया का मूल निवासी मानते हैं। आज नवीन अनुसंधानों के संदर्भ में यह मत
सर्वाधिक मान्य एवं विवेक सम्मत जान पड़ता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत ही था। डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्तसैंध प्रदेश को, पंडित गंगानाथ झा ने ब्रह्मदेशी देश को, डॉक्टर राजबली पांडे ने मध्य देश को तथा डॉक्टर एल डी कल्ला ने कश्मीर या हिमालय प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। आर्यों ने ऋग्वेद में सप्तसैंध प्रदेश का वर्णन किया है। सप्तसैंध प्रदेश का तात्पर्य है वो स्थान जहाँ सरस्वती, सिंधु, शतुद्री यानी सतलज, विपासा यानी व्यास, परुषणी यानी रावी, चेनाब, झेलम आदि सात नदियाँ बहती थी। इन सात नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र वर्तमान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान एवं सीमावर्ती क्षेत्र हैं। ये सप्तसैंध प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान था। जैसे जैसे आर्यों का विकास, आर्यों की जनसंख्या में वृद्धि होती गई, उन्होंने अपना भौगोलिक विस्तार किया। धीरे धीरे वो शनै शनै गंगा और यमुना के बीच के प्रदेशों में आकर रहने लगे, जिसे उन्होंने ब्रह्म ऋषि देश कहकर पुकारा। उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग लगभग समूचे उत्तरी भारत में फैल गए और पूर्व में बंगाल और बिहार तक उनका विस्तार हो गया, तो मध्य में पश्चिमी राजस्थान, गुजरात तक उनका फैलाव हो गया। हम आर्य सभ्यता का अध्ययन दो भागों में करते हैं, एक तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य सभ्यता और दूसरा उत्तर वैदिक कालीन आर्य सभ्यता। विद्यार्थियों, अगले लेक्चर में हम ऋग्वैदिक कालीन आर्य सभ्यता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।